बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिस पर तकरीबन सालों साल सदियों मुसलमानों ने हुकूमत की और वहाँ पर खिलाफत कायम रही, मगर 800 साल से स्पेन में कहीं भी अजान की गूंजी आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि वहाँ से मजहब इस्लाम पूरी तरह शिकस्त खाकर ख़त्म हो गया और वहाँ पर काफिरों ने कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर तकरीबन अब सारी आबादी काफिरों की है और कुछ थोड़ी सी आबादी कुछ ही परसेंट में मुसलमान वहाँ पर आबाद हैं, मगर अक्सरियत वहाँ पर काफिरों की है। वहाँ पर 800 साल से कोई अजान नहीं दी गई दोस्तों, मगर अब ऐसा हुआ कि अल्लाह की ताकत के सामने ये सब लोग बेबस हो गए दोस्तों। वो स्पेन जो कभी अजान और कभी मुसलमानों की हुकूमत थी, और आज का स्पेन जो 800 साल से अजान नहीं गूंजी थी, वहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस ने ऐसा खौफ फैलाया, वहाँ पर लोग अल्लाह की ताकत से इतने डर गए कि एक वीडियो सामने आई है जहाँ पर कुछ बिल्डिंग से तकरीबन हज़ारों लोग खिड़कियों से निकलकर अजान दे रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ मुसलमान निकले और उन्होंने अजान दी, उसके साथ ही तमाम लोग अपने घरों से बेल्कनीज में खड़े हो गए और मुसलमानों के साथ अजान पढ़ने लगे दोस्तों। वो लोग मजहबी इस्लाम की तरफ राइज हो रहे हैं, क्योंकि मजहबी इस्लाम ने उन्हें एक नया दिलासा दिया है कि जो कुछ करने वाला है वो अल्लाह है, अगर ज़िंदगी और मौत देने वाला है तो वो अल्लाह की ज़ात है, और कोरोना का खौफ ख़त्म करें। तो दोस्तों उन लोगों की ज़िंदगी जीने का नई उम्मीद मिल गई, जिसे पसंद करके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है।